तो ये है महिंद्रा 2121 ओजा। क्योंकि फार्मर का सबसे पहला फोकस जो होता है वो ट्रैक्टर पे रहता है। नॉर्मली लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो वो गाड़ी लेते हैं, लेकिन हम किसानों को गाड़ी से ज्यादा इसकी जरूरत रहती है। राम राम सीताराम। राम राम सीताराम। रेडी हो गए हम दोनों। अभी हम जा रहे हैं कुछ स्पेशल, आपको अभी पता चलेगा। ओम को स्कूल से लेके फिर सीधे निकलेंगे। सी ऑलरेडी बैठ गया गाड़ी में, तो अभी मम्मी पापा के आशीर्वाद लेके हम निकलते हैं। अभी आ गए महिंद्रा ट्रैक्टर जामनगर, मुरलीधर ट्रैक्टर करके है जामनगर में महिंद्रा ट्रैक्टर का शोरूम। तो एक पर्टिकुलर मॉडल देखने आए हैं ट्रैक्टर का, जो अभी लॉन्च किया है महिंद्रा ने 15 अगस्त को आई थिंक। तो वो मॉडल हमें भी पर्सनली मुझे देखना था, क्योंकि मैंने इसके बारे में जब देखा सब कुछ पर्सनली देखना था, और आप सबको भी दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा एक ट्रैक्टर महिंद्रा ने लॉन्च किया है, तो वो आपको दिखाते हैं अंदर चल के। तो जैसे सभी लोगों को पता है कि फार्मर्स होते हैं ना, उसका बेस्ट फ्रेंड कोई होता है तो वो ट्रैक्टर होता है। हाँ। ट्रैक्टर की जरूरत होती है कुछ ना कुछ फसल। और आजकल की जो फार्मिंग है, जो बहुत स्पीड में जो आप लोग देखते हो हमारे व्लॉग में, कि जल्दी जल्दी यहाँ पे चेंजेस होते हैं, जल्दी जल्दी पुराना जो क्रॉप होता है निकालते हैं। जैसे अभी हमने मूँगफली निकाली, और जल्दी जल्दी विंटर क्रॉप लगाने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि डेट के हिसाब से चलता है, और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है फास्ट काम करने के लिए ट्रैक्टर की। और ये ना महिंद्रा 2121 ओजा अभी अभी महिंद्रा ने लॉन्च किया है, और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो मुझे पर्सनली देखना था, क्योंकि हम लोग सोच रहे, दूसरा एक रीज़न है, हमारे दोनों बेटों को ना ट्रैक्टर बहुत पसंद है, ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे जो खिलौने होते हैं उसमें ज़्यादातर ट्रैक्टर होते हैं, और शिव ट्रैक्टर देख के ना ब्रूम ब्रूम करना सीखा। आप सब लोग देखते हैं लोग में, तो हमें लेना पड़ेगा ये। बहुत ही अच्छा छोटा ट्रैक्टर लग रहा है, और ये ट्रैक्टर का क्या है कि ये इंटरनेशनल लेवल, इसमें सारी टेक्नोलॉजी है इंटरनेशनल लेवल के ट्रैक्टर। दूसरी कुछ कंट्रियों में भी महिंद्रा ने ये ट्रैक्टर लॉन्च किया है। हाँ। और स्पेशली ये ट्रैक्टर ना कपास का काम होता है, शुगर केन का काम होता है, उसके लिए भी बहुत ही अलग अलग क्रॉप में काम करता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत नैरो बनाया गया है, तो अच्छे से बीज की जो जगह होती है उसमें से निकल सकता है। ये 21 हॉर्स पावर भी आता है, और नई टेक्नोलॉजी सारी अभी एक एक करके आपको दिखाते हैं। इसमें साइड गियर हो गए, फोर व्हील ड्राइव भी होता है, में डीजल के लिए भी की अलग से दी जाती है। और जब ये ट्रैक्टर देखते हैं तो हमें हमारा ट्रैक्टर बहुत सिंपल लग रहा है, क्योंकि इसमें इतनी हाँ। सारी टेक्नोलॉजी, पूरा गाड़ी जैसा लग रहा है इसका लुक। हाँ, बहुत ही अच्छा बनाया। 12 वोल्ट का एक पोर्ट यहाँ पे दिया है, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए USB भी दिया है। तो ये अभी नए जमाने का ट्रैक्टर इसको बोल सकते हैं, जो महिंद्रा ने अभी अभी लॉन्च किया है। इस कैटेगरी के ट्रैक्टर में सभी कंपनीज में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ऐसा महिंद्रा बोलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और लुक में बहुत अच्छा, और ख़ास करके महिंद्रा, हम महिंद्रा की थार भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे देश की कंपनी है महिंद्रा, तो ऑब्वियसली हम सब लोगों को इसके बारे में ही सोचना चाहिए जब अगर कभी भी ट्रैक्टर लेना, और ख़ास करके फार्मर को, क्योंकि फार्मर का सबसे पहला फोकस जो होता है वो ट्रैक्टर पर रहता है। नॉर्मली लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो वो गाड़ी लेते हैं, लेकिन हम किसानों को गाड़ी से ज़्यादा इसकी ज़रूरत रहती है। तो ये है महिंद्रा 2121 ओजा, या फिर महिंद्रा 2121 ओजा, जो भी बोले, और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। इसको अभी हम और डिटेल में अभी देखेंगे, इसको चलाना है मुझे, तो अभी आगे वो भी आपको दिखाते हैं, ऑन करके आगे चलाएंगे। अभी कुछ और अच्छे पॉइंट है ओजा 2121 के। एक तो फ्यूल एफिशिएंसी महिंद्रा ने क्लेम किया है कि सबसे अच्छी होने वाली, और लंबे समय तक इसमें से कुछ ख़राब नहीं होने वाला। और ट्रैक्टर में किसानों को क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ले ली और एक दो साल में नया ले लिया, क्योंकि किसानों को इसके ऊपर ही काम होता है। जितना लंबा समय एक ट्रैक्टर चलेगा उतना किसानों के लिए मुनाफा बढ़ेगा, खेती में उतनी जो क्या होता है कि खेती से ही हमें इसका खर्चा भी निकालना होता है, तो खेती में यूज़ करने के लिए अगर लंबे समय ट्रैक्टर चलता है, पीढ़ियों तक एक दो पीढ़ी उतार दे, तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है किसानों के लिए। और महिंद्रा ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और पूरी नई टेक्नोलॉजी, नए लुक के साथ इसका लुक ही मुझे पसंद आ गया है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है एक तो ट्रैक्टर, और चलाने में भी अभी देखना है चलाने के टाइम। बहुत अच्छी बात है कि किसानों के लिए भी हाँ। बहुत अच्छी अच्छी नई नई सारी टेक्नोलॉजी के साथ ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो कम्फर्टेबल भी हो और स्ट्रॉन्ग भी हो। आवाज़ भी इसकी अच्छी आ रही है। पावर स्टेयरिंग जो है इसमें, ट्रैक्टर हाँ। को हाथ में लेके ही पता चलता है। एक तो डिजिटल डिस्प्ले हो गई, और गियर बहुत ही स्मूथ है, और ये पावर स्टेयरिंग देख सकते हैं एक उंगली से घूम रहा है। तो मक्खन जैसा ट्रैक्टर बनाया है, क्योंकि ट्रैक्टर में क्या होता है कि थोड़ी देर आप चलाओगे ना तो नहीं लगता हाथ, लेकिन जब पूरा पूरा दिन इसके ऊपर रहते हैं, मैं चलाता हूँ ट्रैक्टर, मुझे पता है
बहुत थकान लगती है। अगर इतना आसान और पावर स्टीयरिंग वाला और छोटा सा हाईली टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर मिल जाए ना तो किसान को और कुछ चाहिए ही नहीं। ये ओम अभी बता रहा था जो वो वहाँ ट्रैक्टर पे देखा, तो मतलब टिल्ट भी होता है स्टीयरिंग, और यहाँ से होता है नीचे भी और ऊपर भी, ये खोल के आप अप डाउन मतलब कर सकते हो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग इस तरह से, तो अपने एडजस्टेबल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पर इसकी आवाज़ बहुत स्वीट है। हाँ, जैसे अभी मैं चलाता हूँ आप देख लो, रिवर्स और फॉरवर्ड यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया हाई लो एंड न्यूट्रल वाला, और न्यूट्रल यहीं से होता है। ये गियर हो गए चार, मतलब रिवर्स में भी फोर्थ गियर में चल सकता है और फॉरवर्ड भी फोर्थ गियर में चल सकता है। टोटल 12 गियर है इसमें, 12 रिवर्स 12 फॉरवर्ड। तो पीटीओ का वन पुश इसने इन लोगों ने दिया है महिंद्रा ने। अभी इस तरह से है, ये पीटीओ ऑफ हो गया, ये पीटीओ ऑन हो गया। तो बहुत ही आसानी के साथ सारी टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया गया है। तो बोल सकते हैं कि विदेशों में जिस तरह से ट्रैक्टर होते हैं अभी आ रहे, इस तरह से हमारे लिए भी आ रहे हैं, हमारे किसानों के लिए आ रहे, तो खुशी की बात है। थैंक यू महिंद्रा। एज ऑलवेज भारती हमेशा ही सब कुछ ट्राई करती है, तो इसमें भी अभी इसको ट्राई करवाते हैं ट्रैक्टर। बहुत इजी लग रहा है इसका स्टीयरिंग, तो पूरी गाड़ी से चलाते हैं ना वैसे बहुत सॉफ्ट है। तो अभी ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा चला के, और इसका स्टीयरिंग हमारे ट्रैक्टर के कंपैरिजन में बहुत ही, क्योंकि भारती हमारा ट्रैक्टर भी चलाती है तो वो खास करके लेडीज के लिए मुश्किल होता है थोड़ा, और जब पूरा दिन जब चलाते हैं तो थक जाते हैं। और जब मैं ट्रैक्टर चलाती हूँ ना हमारा, तो मैं दो हाथों से गियर चेंज करता हूँ। लास्ट वीक ही गुस्से हो रहा था कि तुम इसको दो हाथ से पकड़ के क्यों चला रहे हो, तो बहुत ईजी है। नॉर्मली ना ट्रैक्टर जो चलाते हैं, जो किसान है उनको पता होगा कि की से ट्रैक्टर ऑन होता है, लेकिन बंद करने के लिए पुल वाला होता है कि पुल करो उस चीज़ को, ट्रैक्टर बंद होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि ढूंढना पड़ता है, बहुत खींचना पड़ता है। ये की से ही ऑन होता है, की से ही ऑफ होता है, इस तो ये अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ महिंद्रा 2121 ओजा, तो ज़रूर आप देखिए, और जो लेने का प्लान कर रहे हो ज़रूर लीजिए। तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोप मतलब स्टीयरिंग जो गाड़ियों में आता है वो इस तरह से अंदर भी होता है, अप डाउन मतलब आप अपनी हाइट के हिसाब से, और ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी इसको सेट कर सकते, अब यहीं रह जाएगा, यहाँ से काम करेगा, यहाँ से भी काम कर सकता है। तो ये अच्छी एक और टेक्नोलॉजी, जितनी भी अभी के टेक्नोलॉजी है वो सारी आ गई है ये छोटे से कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर में, और ताकत के हिसाब में भी बहुत अच्छे से काम करता है। जब इम्प्लीमेंट्स लगते हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे से चलता है। और हमने देखा इसमें कि रोटा कल्टीवेटर सब कुछ इसमें लगा के चला रहे, तो बहुत पावरफुल होगा। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बड़ा ट्रैक्टर है, बेल भी है, लेकिन ये भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इसका भी काम पड़ जाता है, क्योंकि वजन में कम रहता है तो खेत को ज़्यादा वजन ना दे। कभी कभार गीली ज़मीन में खास करके क्या होता है, मानसून में जब मूँगफली लगानी होती है उस टाइम में, कि ज़्यादा वजन के हिसाब से बड़े ट्रैक्टर हम जब खेतों में उतारते हैं तो उससे ज़मीन को वो दबाते। तो अभी ना हम पीछे ट्रैक्टर में शूटिंग कर रहे थे, तो शिव तब से यहाँ पे ओम के साथ खेल रहा था, क्योंकि शिव को भी ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को भी ये ट्रैक्टर अच्छा लगा हो, और अभी धनतेरस का शुभ दिन आ रहा है और ट्रैक्टर लेने का प्लान कर रहे हो, आपके आसपास जो भी महिंद्रा का शोरूम होता है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। ये महिंद्रा 2121 ओजा जामनगर में भी ये अवेलेबल है, महिंद्रा 2121 ओजा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, या कोई भी आपके नज़दीकी शोरूम में इंक्वायरी कर सकते हो। लेकिन हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा, छोटा लेकिन बहुत पावरफुल धमाका दिवाली स्पेशल है अभी। शिव शिव